हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो जो है वो स्पीडोमीटर के ऊपर रहने वाली है। तो जितने भी मैंने जो है स्पीडोमीटर की मॉडिफिकेशन करी है, वो मैं सभी मीटर को जो है आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मीटर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक डिजिटल मीटर है। तो चलिए गाइस, इसकी जो फीचर है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं, मैंने अभी एक बैटरी के साथ इसको लगा के अभी इसको ऑन किया है। तो जैसे कि आप देखते हैं, यहाँ पर आपको जो है ऊपर एक बड़ा सा ऐसे आरपीएम मीटर मिलेगा। सो गाइस, इंडिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको जो एक न्यूट्रल लाइन का जो है इंडिकेटर मिलता है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर टर्न सिग्नल का इंडिकेटर मिलता है, अलग अलग मिलता है लेफ्ट और राइट का। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको जो है एक पार्किंग लाइट का जो इंडिकेशन है वो भी मिलता है, और एक जो है आपको हाई बीम का यहाँ पर इंडिकेटर मिलता है। इसके बाद गाइस, नीचे की जो डिस्प्ले है उसके ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है आपका जो किलोमीटर पर आवर की जो आपकी स्पीड होती है वो यहाँ पर आपको जो है शो करेगा। उसके नीचे ही जस्ट आपको यहाँ पर जो है किलोमीटर की रीडिंग दिखाई देगी ओडोमीटर की आपकी। और यहाँ पर गाइस, आपको गियर इंडिकेटर मिलता है। तो गियर इंडिकेटर की ये जो सॉकेट होती है, ये एक सॉकेट होती है और एक जो छोटी वाली ये भी गियर इंडिकेटर की सॉकेट है। तो इसको मैं अभी जो है अलग अलग जगह पे लगा के दिखाता हूँ कैसे ये आपका गियर शो करेगा। तो गाइस, ये उसी बाइक में गियर शो करेगा जिस बाइक में आपका जो गियर वाला सेंसर जो ऑलरेडी इंजन में फिट होता है। तो जैसे नॉर्मल आपकी बाइक है तो उसके लिए आपको गियर इंडिकेटर वाला जो पॉइंट है इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बाइक में जो है गियर इंडिकेटर वाला सेंसर नहीं है, तो इस टाइप से ये काम भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं, मैं अभी अलग अलग जगह पे इसको लगा रहा हूँ। आप देखते हैं, अभी फोर का दिखा रहा है, अभी पहला गियर, अभी दूसरा, और अभी इस टाइप से जो है गियर दिखाएगा आपके। तो इस टाइप से आपको जो है गियर इंडिकेटर मिलता है इसमें। और यहाँ पर आपको जो है एक फ्यूल इंडिकेटर मिलता है कि आपकी बाइक में फ्यूल कितना है। तो चलिए गाइस, अभी इसके स्पीडोमीटर को चला के देखते हैं। और यहाँ पर इसका ये जो स्पीडोमीटर वाला सेंसर है, तो यहाँ पर आपको एक सेंसर पत्ती और एक जो है तीन मैग्नेट मिलती है ऐसी छोटी छोटी। तो आपको क्या करना होता है, इस पत्ती में ऐसे सेंसर को लगा के इसको जो है अपनी व्हील के ऐसे फिक्स कर लेना है। उसके बाद जो है ये जो मैग्नेट है छोटी छोटी, ये आपको व्हील के ऊपर लगा देनी होती है। और जैसे जैसे आपकी बाइक का व्हील घूमता है, इसके पास से गुजरता है, उस हिसाब से जो है स्पीड को बताता है। तो इसको अभी मैं यहाँ पर लगाता हूँ और जो मैग्नेट है उसको सेंसर के ऊपर ऐसे घुमाता हूँ। तो आप देखते हैं, यहाँ पर अभी इसकी रीडिंग आ रही है। तो इस टाइप से ये काम करता है। और गाइस, यहाँ पर जो इसके पीछे आपको जो है ऐसे एक छोटा सा बटन दिखाई दे रहा है, इसको प्रेस करने से यहाँ पर जो किलोमीटर है वो माइल पर आवर में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो गाइस, ये था पहला डिजिटल मीटर, अभी सेकंड के ऊपर चलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले खोलते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देखते हैं, ये एक्चुअली गाइस ये डिजिटल मीटर नहीं है, ये एनालॉग है। लेकिन इसका जो फ्यूल मीटर है वो डिजिटल है, और साथ में इसके जो है गियर इंडिकेटर भी मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो गाइस, आप देखते हैं, मैंने अभी इसको जो है कनेक्ट किया अपनी बैटरी से, और यहाँ पर इसका जो फ्यूल इंडिकेटर वो ब्लिंक कर रहा है। और यहाँ पर इसकी जो पहले मैं आपको लाइट इंडिकेटर बता देता हूँ, यहाँ पर हाई बीम वाला इंडिकेटर मिलता है। एक्चुअली इसका कैप गिर चुका है, लेकिन इसके ऊपर जो है ब्लू कलर का कैप रहता है। और साथ ही में यहाँ पर टर्न सिग्नल वाला जो इंडिकेटर है वो भी यहाँ पर आपको मिलता है। उसके अलावा गाइस, यहाँ पर इसकी आप लाइट देख सकते हैं, लाइट काफ़ी अच्छी है। रात को ये काफ़ी अच्छा दिखता है मीटर, और जैसे अवेंजर बाइक है अगर आपके पास, तो उसमें काफ़ी अच्छा ये जो है लगने वाला है। और यहाँ पर इसके मैं फ्यूल मीटर को ऐसे फुल करके दिखा रहा हूं। तो इस टाइप से ये डिजिटल फॉर्म में ऐसे काम करता है। और गाइस, यहां पर इसमें भी आपको जो है एक गियर इंडिकेटर मिलता है, जो कि सेम वो पहले वाले मीटर की तरह ही काम करता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो है अलग अलग गियर इस टाइप से ये आपको जो है शो करेगा, अगर आपकी बाइक में जो है गियर इंडिकेटर वाला सेंसर है। तो गाइस, आप देख सकते हैं, ये भी मीटर काफी अच्छा है। अगर आपके पास अवेंजर टाइप का ऐसे क्रूजर बाइक है तो उसमें ये लगाओगे तो आप काफी अच्छा लगेगा ये। तो ये थी मीटर की फ्रंट लुक। अभी बैक की साइड चलें तो यहाँ पर आपको जो है एक यूएसबी पोर्ट मिलती है, जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन को यहाँ पर जो है चार्ज लगा सकते हैं। सेकंड गाइस, इसमें मेरे को प्लस पॉइंट लगा जो इसका जहाँ पर जो आपका स्पीडोमीटर का रीडिंग बताता है, उसके लिए यहाँ पर आपकी जो स्टोक वाला जो केबल वाला जो होता है वही इसमें जो है डायरेक्ट फिट हो जाएगा। मतलब आपको ऐसे सेंसर वगैरह नहीं है इसमें, तो ये आसानी से आपकी बाइक में फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं, अभी स्पीड इसकी ऐसे चल रही है, मैं इसको जो है अपने एक स्क्रू ड्राइवर से ऐसे घुमा रहा हूँ। तो चलिए गाइस, चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट स्पीडोमीटर के ऊपर। सो गाइस, ये वाला जो मीटर है वो मेरा फेवरेट मीटर है, और इसको अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो गाइस, काफ़ी अच्छा दिखता है, और इसको भी ऑपरेट करने के लिए जो इसका स्पीडोमीटर जो है उसको ऑपरेट करने के लिए स्पीडोमीटर सेंसर ही है, जैसे मैंने पहले वाले मीटर में आपको दिखाया था। और आप इसको देख सकते हैं, मैं आपको इसको जो चला के दिखाता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं, मीटर की लुक काफ़ी अच्छी है, और इसमें जो है एक आपको आरपीएम मीटर मिलता है ऐसे बड़ा वाला। और गाइस, यहाँ पर आरपीएम मीटर के साथ साथ यहाँ पर जो है हाई आरपीएम का इंडिकेटर भी यहाँ पर आपको मिलता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, ये वाला जो रेड कलर का चलता है, फिर से आपको चला के दिखाता हूँ। सो इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है काफ़ी तरह के इंडिकेशन मिलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं।
सो कि सबसे पहले यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल का जो एक इंडिकेटर मिलता है राइट वाला, उसके ऊपर जस्ट आपको एक जो है ऐसे इंजन ओवरहीट का यहाँ पर सिंबल मिलता है। अगर आपकी गाड़ी में जो है इंजन ओवरहीट का सेंसर है तो आप इसको जो है कनेक्ट कर सकते हो उसके साथ। तो यहाँ पर इंजन ओवरहीट का सिंबल मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको लो फ्यूल का इंडिकेटर मिलता है। उसके ऊपर अगर आप आ जाओगे आपको न्यूट्रल लाइट का इंडिकेटर मिलेगा। उसके जस्ट ऊपर यहाँ पर आपको जो है हाई बीम का इंडिकेटर मिलेगा और उसके ऊपर आपको जो है लेफ्ट वाला टर्न सिग्नल का जो है इंडिकेटर मिलता है। दूसरी जगह गाइस यहाँ पर आपको आरपीएम मीटर मिलता है। वो आरपीएम मीटर जो है इसका काफ़ी अच्छा है, जितना आरपीएम इसका होता है उस हिसाब से यहाँ पर एक लाइट भी चलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रेड वाले जो डॉट डॉट है ऐसे चलते हैं। उसके यहाँ पर जस्ट आप देखोगे तो यहाँ पर इसका जो एलसीडी स्क्रीन है, तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है आपको मिलेगा। तो क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर टाइम मिलता है आपको, उसके बाद यहाँ पर आपको गियर इंडिकेटर मिलता है। यहाँ पर मैं अलग अलग यहाँ पर आपको जो चेक करके दिखा रहा हूँ, तो सेम टू सेम पहले वाले मीटर की तरह इसका गियर इंडिकेटर काम करता है। और इसके जस्ट आप नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर किलोमीटर पर आवर की जो रीडिंग है वो शो करेगा आपके स्पीड की। और उसके जस्ट आप नीचे आओगे तो यहाँ पर ओडोमीटर की रीडिंग है, जिसमें कि आप जो है ट्रिप भी लगा सकते हो, मतलब ट्रिप में भी आप देख सकते हो कितना हुआ। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है एक फ्यूल इंडिकेटर मिलता है। तो भाई इतना कुछ इस मीटर में मिलता है। और यहाँ पर सबसे अच्छी मेरे को इसकी बात लगी, यहाँ पर एक बटन है, इसकी मदद से आप इसके जो कलर है उसको चेंज कर सकते हो, जो कि पर्सनली मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। और क्या यहाँ पर आपको एक चेक इंजन लाइट का इंडिकेटर और साथ में बैटरी इंडिकेटर यहाँ पर आपको मिलता है। तो क्या इस टाइप से इतना कुछ इस मीटर में मिलता है। और अभी मैं जस्ट इसका सेंसर को कनेक्ट करके इसको ऐसे चला के दिखा रहा हूँ, तो बस इस टाइप से कुछ इस मीटर में आपको जो मिलता है। तो गैस ये हुए तीन मीटर, और जो फोर्थ वाला जो मीटर है वो मैंने जो अपनी बाइक में ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में मैंने इसको डिजिटल मीटर को ऐसे इंस्टॉल करके रखा है, और राइट साइड में मैंने जो आरपीएम मीटर को यहाँ पर लगा के रखा है। तो गैस इतने कुछ मीटर मैंने आज तक इसकी जो मॉडिफिकेशन करी अपनी बाइक में। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक भी करना, अपने दोस्तों शेयर भी करना। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।